आदाब और सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट युद्धवीर सिंह कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल जट ऑन ट्रैवल। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पराठे वाली गली पर और एक्सप्लोर करेंगे पराठे वाली गली पर और देखते हैं किस तरीके के पराठे यहां मिलते हैं और आपको बताऊंगा मैं पराठे वाली गली के हिडन जेम्स। तो आइए चलते हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल है जी? भैया बढ़िया। अच्छा, ये है पराठे वाली जी गली, ये सारी पराठे वाली गली के नाम से फेमस है। अच्छा, कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? 1872। और कौन सी जनरेशन है इस टाइम जो मैं? सिक्स जनरेशन। अच्छा, आप सिक्स जनरेशन हो, तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर मेरे बड़े बाबा थे, पंडित जया प्रसाद जी। उनकी फोटो आप अंदर देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर कौन कौन से पराठे हैं आपके पास? हमारे पास 26-27 अराउंड पराठे हैं। हाँ जी, सबसे फेमस रबड़ी है, मिर्ची है, ग्रीन चिली, मिक्स वेज, पापड़, हींग जीरा। अच्छा, मैनी आइटम्स। तो यहाँ अब तक कितने सेलिब्रिटी आ चुके हैं आपके यहाँ? यहाँ पे अक्षय कुमार जी आ चुके हैं। अक्षय कुमार तो मैंने सुना है यहीं के, दिल्ली के ही हैं आपके? आ चुके हैं चांदनी चौक के। आयुष्मान खुराना, निखिल अनुचप्पा। Okay. और आप अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारे एक्टर्स। अच्छा, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सबकी फ़ोटो लगी हुई है अंदर। ठीक है ठीक है, तो आज हमें कौन सा आप ट्राई करवाओगे? आपको रबड़ी का और आलू का पराठा ट्राई। चलो सर, सर ठीक है, आइए। अच्छा सर, ये जो लिस्ट लगी हुई है सारे पराठे हैं आपके पास? जी जी जी, ठीक है ठीक है। चलो सर, रबड़ी वाला और आलू पराठा लगवा दो। गाजर, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट, काजू, मटर, गोभी, पनीर, दाल, मूली, रबड़ी, सबका सब पराठा। ये काजू और ये ड्राई फ्रूट आने में? हाँ, ये फिर किशमिश और वो मिला है ना, ड्राई फ्रूट काजू। हाँ जी, इसलिए ठीक है। एक बार ये जो मेन्यू है आप अपने स्टाइल में बोल के दिखा सकते हो? आलू है, गोभी है, मूली है, पापड़ है, दाल है, नींबू है, पराठा है, मिश्री है, रबड़ी है, बादाम है, ड्राई फ्रूट है, पुदीना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भैया, ये रबड़ी का? हाँ, ये रबड़ी मलाई है। अच्छा, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हो? सुबह डाले है ना, ठीक है, अभी स्टोव नहीं करेंगे, ऐसे मोरेंगे। ओके, मोरने के बाद ही जाएगा। इसको गुजिया पराठा तो नहीं कहते? गुजिया भी आप कह सकते हैं। ओके, गुजिया भी कह सकते हैं, गुजिया की शेप में है, बगैर मेन रबड़ी के। अच्छा, ले जाएंगे आज चार गोभी दो पनीर। तो गाइस, ये अपना पराठा है, रबड़ी का पराठा, चार गोभी दो पनीर। यही मेथड रहता है सर इसका, मतलब सभी पराठों का ये मेथड यही रहता है? सबका अलग अलग फीलिंग्स है, अलग अलग पराठे हैं, अलग अलग स्टफिंग अलग अलग है, सबकी फीलिंग अलग अलग है। आप आलू में जैसे पोटैटो में देखेंगे तो अलग फीलिंग आएगी आपको। ड्राई फ्रूट में ड्राई फ्रूट मिलेंगे, रबड़ी में रबड़ी, खुरचन में खुरचन, खोया में खोया, हर चीज़ का अलग पराठा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पनीर रोल है, उसमें काजू बादाम डाल के भी बनाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, सबके अलग थे। अच्छा, अभी आलू का पराठा स्टार्ट हो रहा है, चलो करो स्टार्ट। मामून भैया बिलाए, 11 हो गया। आओ भाव जी, इधर आओ। 11 में तीन बड़ा, चार लस्सी, वो पांच लस्सी। 11 में तीन बड़ा, पांच लस्सी। इसको स्टफ कर दिया आपने? हाँ। ये अपना आलू पराठा या कढ़ाई में 940। सो गाइस, अपना पराठा हो चुका है रेडी और सबसे पहले इन्होंने मुझे रबड़ी वाला पराठा भेजा है। वैसे ये
जैसे गुजिया होता है उस स्टाइल का है। तो इसके साथ में मुझे इन्होंने दिया है आलू की सब्ज़ी और ये हरी मिर्च की सब्ज़ी और ये जो मीठी चटनी होती है वो, और ये स्पेशली सीताफल की सब्ज़ी है और ये आलू और मेथी की। तो आपको टेस्ट करके बताता हूँ मैं इसका। ये सीताफल की जो सब्ज़ी है थोड़ी सी मीठी है और इसमें खड़े मसालों की जो है टेस्ट आ रहा है। स्पेशली इनकी जो मसाले हैं ये बताते तो नहीं हैं क्योंकि इनके हिडन जेम्स हैं, तो फिर भी जो है बहुत ऑसम टेस्ट है इसका। आलू आ गया, रखो सर। तो गाइस अपना आलू पराठा भी हो चुका है रेडी। तो स्पेशली पराठे वाली गली में, जो पराठे वाली गली के जो पराठे हैं दूसरे पराठों से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि ये जैसे अपनी पंजाबी कढ़ाई में अपने पूड़ी नहीं तलते, ये उस तरीके के पराठे हैं, बट खाने में बहुत औसम होते हैं, स्टफिंग बहुत बढ़िया होती है इसकी। तो आपको सबसे पहले मैं ये आलू मेथी की सब्ज़ी का भी बता देता हूँ। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी सी है और घर का जैसे खाना होता है उस तरीके का टेस्ट है इसका। और अपने अब स्टार्ट करते हैं पराठे का टेस्ट करना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने स्टफिंग कर रखी है और इसमें से रबड़ी बाहर निकल रही है। तो मेरे तो यार मुंह में पानी आ गया, आपका मुझे पता नहीं है। मौसम तो गाइस मैं इनको रबड़ी जो इनका पराठा है उसके लिए 100 में से 100 देता हूँ। बहुत ही ऑसम टेस्ट है, फेबुलस। तो आप इसके लिए यहाँ पराठे वाली गली में विज़िट कर सकते हो और बहुत ही पुरानी शॉप है। सो गाइस अब मैं आपको आलू पराठा टेस्ट करके बताता हूँ। पहले मीठी चटनी के साथ हरी चटनी और ये जो आलू की सब्ज़ी इन्होंने दी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये बहुत ही ऑसम टेस्ट है इसका भी। यूनिक सी इनकी जो चटनी है उसका एक अलग सा टेस्ट है, जैसे दही बल्ले में चटनी डलती है उस तरीके का टेस्ट है इसका। तो इसके लिए भी मैं इनको देता हूँ 100 में से 100। बहुत बढ़िया है। अगर आप भी दिल्ली विज़िट कर रहे हो तो पराठों वाली गली में विज़िट करना मत भूलें। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इनके पास 26 पराठे हैं, वो ट्राई कीजिए। तो गाइस अपने जो आए हुए हैं यहाँ उनसे पूछते हैं किस तरीके के पराठे हैं और कैसा लगा उनको यहाँ टेस्ट। हेलो सर, आप कैसा टेस्ट लगा? बहुत बढ़िया लगा टेस्ट। कहाँ से आए हो आप? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से? मैं राजस्थान से हूँ। तो कौन सा पराठा ट्राई किया आपने? मिक्स वेज का पराठा ट्राई किया। अच्छा, बहुत लजीज था, बढ़िया लगा। जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, काफ़ी आए हुए हैं। काफ़ी लोग आगे होता है, लोकल दिल्ली के लोग नहीं खाते हैं, बाहर के लोग ही खाते हैं ज़्यादा। अच्छा, इसका टेस्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो बाहर के लोग ज़्यादा। आप पहली बार आए हो यहाँ? दूसरी बार आए हैं पराठा खाने के लिए। पराठा खाने के लिए तो यहाँ ऑर्डर कर दिया करो भाई, कॉरियर आ जाए। वो बहुत लंबा है, ठंडा हो जाएगा। अच्छा हाँ, कुछ टेस्ट का जो है ताजिए का फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा टेस्ट होता है। मैं श्री गंगानगर से, आप कहाँ से? आप बीकानेर से हो? बीकानेर और श्रीगंगानगर एक ही जगह चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? मौसम बढ़िया टेस्ट है। कौन सा पराठा ट्राई किया? पनीर पराठा। ठीक है, आलू। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सो गाइस मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और सत श्री अकाल।